नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था कि यहाँ पर मार्केट के अंदर बाउंस जो आएगा वहाँ पर मैं पर्सनली लॉन्ग होने के मूड में बिल्कुल भी नहीं रहूँगा जब तक कि मार्केट 19,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता। साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, आगे ज़रूर चेक करना, कि यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 19,640 से लेके 19,680 के आसपास रहेगा। एंड ड्यूरिंग द लाइव मार्केट फ्राइडे के दिन हम लोगों ने आपको यहाँ पर समझाया भी था लाइव मार्केट के अंदर अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि भाई यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है ये चेक कर सकते हो आप। 6 अक्टूबर को आपको समझाया गया था लाइव मार्केट के अंदर, 1:30 बजे के आसपास मैंने मैसेज भी दिया था कि हमने जो डिस्कस किया था कि 19,640 से लेकर 19,680 जो हमारा रेसिस्टेंस है उसके आसपास मार्केट यहाँ पर पहुँच चुकी है। और फाइनली आपने देखा कि 3:30 बजे के आसपास भी, मतलब पूरा 2 घंटा 2.5 घंटा मेहनत करने के बावजूद भी मार्केट 6 अक्टूबर को हमारे जो रेसिस्टेंस लेवल थे उनको क्रॉस नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जब तक मार्केट हमारा रेसिस्टेंस के आसपास रहेगा हम लॉन्ग नहीं करेंगे। ये हमारा डिसाइड हुआ था लास्ट वीडियो के अंदर। दोस्तों इस टाइप के मैसेजेस जो हेल्पफुल होते हैं ड्यूरिंग द लाइव मार्केट आपको मिल जाएंगे हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है और इसमें 6,500 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। ओरिजिनल चैनल से ज्वाइन करना, लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ओरिजिनल चैनल को ज्वाइन करने के लिए। दोस्तों चलो बढ़ते हैं अब आगे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आज कवर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मुझे कवर करना है क्या एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सब लोग पूछ रहे हैं। वो क्या पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ पर वॉर जो है वो चालू हो चुकी है इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में, तो यहाँ पर क्या इम्पॉर्टेंट रखें बातें, अगर ये वॉर जो हुई है उसका क्या मार्केट के ऊपर इम्पेक्ट पड़ सकता है, कैसे कैसे हम हैंडल करें। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूज़ जैसे कि वॉर की न्यूज़ है, वॉर हमने लास्ट 2022 के अंदर भी देखा था, तो वहाँ पर उसका जो रिएक्शन आया था बहुत बड़ा आया था। तकरीबन एक दिन के अंदर 1,000 से 1,200 पॉइंट के आसपास की गिरावट आई थी। मैं बात करूँ अगर निफ्टी की तो वो इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। ठीक है, आज जो सेकंड वॉर है ये सेकंड टाइम हो रही है विद इन द मतलब वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत कम समय के अंदर ये सेकंड वॉर हुई है। और इस बार जो निफ्टी के अंदर इम्पैक्ट आया है वो केवल आप चेक कर सकते हो 140 पॉइंट के आसपास का ही आया है। इसको अगर 150 पॉइंट राउंड फिगर में लगा लें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10% के आसपास भी पिछले बार के मुकाबले इस बार इम्पैक्ट नहीं आया है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि 150 पॉइंट का आया है, मतलब 10% तो कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन 150 पॉइंट के आसपास आया है जो कि एक नॉर्मल मूवमेंट होती है। अगर ये वॉर को हम इग्नोर भी कर देते हैं तो ये 150 पॉइंट की जो मूवमेंट है डेट इज़ अ नॉर्मल मूवमेंट फॉर अ डे, जो कि हम अगले मतलब जो कि हम नॉर्मल डेज के अंदर भी देख सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि अगर सच में वॉर का रिएक्शन मार्केट को देना होता तो वो सबसे बेस्ट टाइम था कि आज मार्केट गिरती, बहुत बुरी तरह गिरती खुलते के साथ, और बिल्कुल भी यहाँ पर आपको मौका ही नहीं देती किसी भी चीज़ को समझने का। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रही है और होल्ड करा वो भी कितना, 6 घंटा अगर आपका मार्केट होल्ड कर रहा है, इसका मतलब जो वॉर पहली बार हुई और जो वॉर सेकंड टाइम हो रही है तो दोनों में यहाँ पर मार्केट इस चीज़ को डिस्काउंट कर रही है, समझो इस चीज़ को। एक चीज़ और कि कभी भी ना सेम रीज़न जैसे कि यहाँ पर पहला रीज़न वॉर का, सेकंड रीज़न भी वॉर का, तो सेम रीज़न के ऊपर कभी भी स्टॉक मार्केट कभी भी स्पेशली यहाँ पर सेम रिएक्शन नहीं देता। मतलब वॉर फर्स्ट टाइम हुई मार्केट गिरा 1,000 पॉइंट के आसपास, ठीक है, तो यहाँ पर सेम रिएक्शन यानी कि 1,000 पॉइंट के आसपास दोबारा जब वॉर होगी तो भी गिरेगा। इट डज़ नॉट हैपन इन द स्टॉक मार्केट, ये लाइव मार्केट के अंदर मैंने आपको समझाया भी था। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती नज़र आ रही हैं आज मंडे के दिन जब मार्केट क्लोज हुआ है। क्या चीज़ कि यहाँ पर अभी तक
अभी तक जो भी सिचुएशन चल रही है वॉर की, उस सिचुएशन को मार्केट अभी डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हाँ, अगर ये वॉर बढ़ती है, इसमें और भी कंट्रीज़ इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन फिर वर्स्ट हो जाएगी, ठीक है, ये सिचुएशन फिर ख़राब हो जाएगी। और फिर आपको मतलब फिर हमको दूसरे प्रोस्पेक्टिव से मार्केट को देखना पड़ेगा, उस वक्त क्या मार्केट करने की कोशिश करेगी, फिर वो हम उस वक्त डिस्कस करेंगे। लेकिन जो चीज़ यहाँ पर हुई ही नहीं है, देखो एक चीज़ें होती हैं कि जो आपके सामने चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट, एक होता है कि काल्पनिक बातें, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये सोच कर कि भाई यहाँ पर ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी, बहुत सारी कंट्रीज़ आ जाएंगी, और क्या कहते हैं यहाँ पर मेरे ख्याल से वर्ल्ड वॉर टाइप की सिचुएशन चालू हो जाएगी और यहाँ पर स्टॉक मार्केट गिर जाएगी, मेरा ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं है। और मैं इन सब मतलब काल्पनिक बातों पे बिलीव नहीं करता। इसके पीछे का एक और रीज़न है दोस्तों, कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरी दुनिया जो है इस वक्त इन्फ्लेशन के यहाँ पर एक और जो वॉर चल रहा है ना इन्फ्लेशन का, इससे जूझ रही है, ठीक है। और पूरी इंडिया के जो टॉप मोस्ट कंट्रीज़ हैं वो सब मतलब उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी इकोनॉमिकल है, ये सब इकोनॉमिकल है, मतलब आपकी इकोनॉमी जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से ऑलरेडी हीटेड है, ठीक है। अभी जब ऑलरेडी कॉमोडिटीज़ बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड हैं, मतलब हाईली प्राइज्ड हैं ऑलरेडी, हर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, और फिर उस हाई इन्फ्लेशन के अंदर अगर बहुत सारी कंट्रीज़ वॉर को ज्वाइन कर लें, तो मोस्टली कंट्रीज यानी कि जो भी कंट्रीज़ वॉर को ज्वाइन करेंगी और उसका इम्पैक्ट जो है दूसरी कंट्रीज़ पे भी डेफिनेटली पड़ेगा, कॉमोडिटीज़ के प्राइस जब हाई होंगे वॉर की सिचुएशन की वजह से, तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्री इसको ज्वाइन बिल्कुल भी वॉर को नहीं करना चाहेंगी, क्योंकि एक तो इन्फ्लेशन का जो मार है वो, प्लस जो वॉर है उसके अंदर भी अगर कूद जाते हैं तो ये इन्फ्लेशन जो है वो फिर अंडर, अभी तो अंडर कंट्रोल है ही नहीं, और फिर अगर वॉर में कूद जाते हैं तो वहाँ पर फिर वो मतलब आउट ऑफ द, कहते हैं ना कि भाई अब तो भैंस गई पानी में, उस टाइप की सिचुएशन हो जाएगी। और उस वक्त उस सिचुएशन को पार पाना, मतलब उस सिचुएशन से ओवरकम करना, मतलब वो फिर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये भी सिचुएशन हमको याद रखनी चाहिए एनालिसिस करते समय, कि इस वक्त एफोर्ट नहीं कर सकती कंट्रीज़ कि वो वॉर को ज्वाइन करें और एक वर्ल्ड वॉर टाइप की सिचुएशन हो, ऐसा नहीं मुझे लगता है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो भी सिचुएशन अभी बिगड़ी है वो ठीक हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, और मार्केट उस चीज़ को डिस्काउंट ऑलरेडी कर रही है। तो दिस इज़ ओनली माई पर्सनल थिंकिंग, इन्फ्लेशन के साथ भी मैंने आपको जोड़ के दिखाया है। आपकी क्या थिंकिंग है, आपके क्या कमेंट्स कमेंट सेक्शन में आप डालिएगा कि आपकी क्या सोच सिचुएशन है, मतलब सोचने की क्या सिचुएशन है वॉर के रिगार्डिंग, आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। आई यू आर इंडिपेंडेंट, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो मैं यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव हूँ कि भाई ये जो वॉर हुई है, डेफिनेटली एक दो दिन जो है आपको परेशानी झेलने को मिल सकती है, एक टेम्परेरी डेंट जो है मार्केट में देखने को मिल सकता है, जैसे कि आज मिला है, ठीक है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, वी विल हैंडल दिस सिचुएशन, ठीक है, जब तक मार्केट अलाउ कर रही है हमको हैंडल करने के लिए, वी विल हैंडल। अदरवाइज़ अगर सिचुएशन वर्स्ट होती है तो देन नोबडी कैन, मतलब नोबडी कैन हेल्प इन दैट वर्स्ट सिचुएशन, तो क्योंकि वो तो फिर सबके ऊपर ही वर्स्ट हो जाएगी सिचुएशन, एंड उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो मैंने आपको समझा दी, इस वक्त बहुत कम है, 1 या 2% के आसपास है, 99% टाइम, 99% उस सिचुएशन का अभी मुझे नहीं लगता कि कुछ यहाँ पे होने वाला है कि वर्ल्ड वॉर टाइप की सिचुएशन हो या बहुत सारी कंट्रीज़ मतलब वॉर के अंदर कूदें। तो आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई वॉर की सिचुएशन की बातें, अब दोस्तों यहाँ पे बढ़ते हैं, अपनी नॉर्मल सिचुएशन पे आते हैं, नॉर्मल एनालिसिस पे आते हैं। तो यहाँ पर हमने डिसाइड किया था कि जब तक ये 19,000 ये वाली कैंडल के ऊपर मार्केट नहीं निकलता, ये लाइन मैंने ऑलरेडी खींची हुई है, जब तक इस वाली कैंडल के ऊपर मार्केट नहीं निकलता तब तक हम लॉन्ग नहीं करेंगे, ये हमने डिसाइड किया था। यहाँ पर आपको लाइव मार्केट में बताया भी था कि यहाँ पर हम लॉन्ग नहीं करेंगे,
तो फ्राइडे के दिन जाके मैंने आपको दिखा भी दिया। अभी सिचुएशन ये है कि यहाँ पर अब वॉर की वजह से ये मार्केट गिर गया, या फिर हम लोगों ने पहले डिसाइड कर रखा था, या आप खुद सोच के चलिए, वी डिसाइडेड, हमको नहीं पता था कि वॉर होने वाली है, बट ठीक है, मार्केट क्लोज होने के बाद सिचुएशन आई वॉर की, तो देन इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज हम लोग यहाँ पर लॉन्ग नहीं थे। दूसरी चीज़, ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको खींच के रख रखी थी पहले से, और ये मैंने आपको बहुत पहले से बता रखी है कि आप भी खींच के रखिए, ताकि ये ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर समझा सके कि यहाँ पर असिस्टेंस कहाँ है। तो यहाँ पर असिस्टेंस के आसपास हम लोगों ने लॉन्ग नहीं किया, मार्केट अब नीचे गिर रही है। अब यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन और देखने को मिल रही होगी, जो कि मैंने ये खींच रखी है, तो ये खींची हुई ट्रेंड लाइन जो है वो ये बताती है कि एक यहाँ पर वेज टाइप का, ठीक है, ये इसे कहते हैं वेज, तो ये वेज जो है वो अभी बन रहा है, वो जो कि ये कहता है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर वॉलिडिटी बढ़ेगी, ठीक है, आगे आने वाले, देखो यहाँ पे वॉलिडिटी कम है, ठीक है, फिर ये बड़ा मूव आया, फिर ये बड़ा मूव आया, अब और फिर बड़े मूव आ सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ा मूव यहाँ तक आ जाएगा, वो उसके लिए मार्केट को यहाँ पर 19380 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा दोस्तों, जब भी ये सिचुएशन यहाँ इतनी ख़राब होगी कि यहाँ पर मार्केट 19200 और 19100 के नीचे जाए, ठीक है। तो अभी उस चीज़ की सिचुएशन नहीं है, बट यहाँ पर जो प्राइस एक्शन है वो अभी नेगेटिव है, ठीक है, एक तरीके का डोजी बना हुआ है, तो डोजी तो मतलब प्रॉपर तो नहीं है ये, बट उस टाइप का ही है, तो कैंडल जो है वो अनडिसाइडेड है, तो यहाँ पर अभी प्राइस एक्शन जो है वो नेगेटिव बना हुआ है, ठीक है। तो प्राइजेशन जो है वो नेगेटिव है फिलहाल, और अभी हम देख लेते हैं फटाफट से अभी डाटा पॉइंट्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर डाटा पॉइंट्स जो हैं वो आज क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो सिचुएशन है रेसिस्टेंस के आसपास जो है वो हाँ, यहाँ पर 9 तारीख का जो डेट है वो आपके सामने है, तो 9 तारीख को आज फिर से यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स बुलिश हो गए हैं, तो जब बुलिश होते हैं रिटेल ट्रेडर्स, तो यहाँ पर हमारा डाटा जो है वो नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। तो डाटा जो है नेगेटिव है फिलहाल, और साथ में मैं आपको समझा देता हूँ कि 19500 की कॉल राइटिंग जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कौन, यहाँ पर FIIs लोग, तो 19500 की जो कॉल राइटिंग है करंट वीक की वो कितने पे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो 19500 की जो कॉल राइटिंग है दोस्तों, वो उन्होंने यहाँ पर 130-140 के आसपास जो है उन्होंने यहाँ पर 130-135 के आसपास उन्होंने यहाँ पर एवरेज किया है, तो अभी उनकी कॉल राइटिंग जो है वो प्रॉफिट में है दोस्तों। अभी यहाँ पर उसका जो प्राइस है वो 95 रुपीज़ है, तो यहाँ पर वो एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट 19500 के नीचे इस हफ्ते में क्लोज हो, या फिर बहुत जल्दी एक डिप ले, ताकि इस वाले प्रीमियम को वो जल्दी से जल्दी खा सकें। तो यहाँ पर 19500 की कॉल राइटिंग जो है कैरी फॉरवर्ड हो रही है बड़े प्लेयर्स की, तो यहाँ पर डाटा नेगेटिव है, प्राइडक्शन नेगेटिव है। बात कर लेते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस की, तो सपोर्ट जो है वो मार्केट के अंदर एक ही है, बता दिया मैंने आपको, वो है आपका दोस्तों 380, और उससे पहले है एक 450, 450 और 380 का एक सपोर्ट है अभी मार्केट के अंदर, तो देखना होगा कि क्या करता है मार्केट, इनको तोड़ता है या नहीं तोड़ता, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे मार्केट संभल जाएगा, एक दो दिन ड्रामा होगा, सो बी केयरफुल बी कॉशियस, बस यही मैं कहूँगा फ़िलहाल तो। और बैंक निफ्टी देखिए दोस्तों, यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए भी हम लोगों ने लेवल डिसाइड किया था, कर रखा था ऑलरेडी, ठीक है, तो वो लेवल अभी नहीं टूटा है, वो लेवल था दोस्तों 45,000 का, तो 45,000 का लेवल जो है वो अभी भी इंटैक्ट है, उसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं करी, और जब तक 45,000 का लेवल नहीं टूटता 44,000 का एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा लेवल था, क्योंकि बैंक निफ्टी में ज़्यादा देखता नहीं हूँ, तो इसलिए मेरे को लेवल जो हैं वो माइंड में याद नहीं रहते, चार्ट के ऊपर देख के पता लग जाएगा। हाँ, तो ये वाली कैंडल का जो लेवल था 45,000 था, उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनी ये वाला लेवल, तो 44,800, यस 44,800 वॉज द लेवल जो हमने डिसाइड किया था लास्ट वीडियो के अंदर। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता अपन लोगों को लॉन्ग नहीं होना है, तो आई होप यू ऑल आर सेफ, ठीक है। अभी जो लेवल है, अभी जो लेवल बचा है, अब एक ही लेवल बचा है दोस्तों 43,600 का और 43,400 का, ठीक है, तो 400 से लेके 600 के बीच की जो रेंज है वहाँ पर एक सपोर्ट रेंज है मार्केट की, उसमें वहाँ पे मार्केट ने पिछली बार भी सपोर्ट लिया था, ख्याल रखिएगा 400 से लेके 600 के बीच में हम मार्केट को सपोर्ट लेते हुए भी देख सकते हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी को, ठीक है। बट बैंक निफ्टी इस वक्त ज़्यादा वीक है इन कंपेरिजन टू निफ्टी, इस वक्त का ख्याल रखना, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, और हमें लॉन्ग जब तक नहीं होना जब तक मार्केट अब 44,500 के ऊपर नहीं निकल जाता, ठीक है। तो हाँ,
सपोर्ट के आसपास जो है वो आप 50-100 पॉइंट का एसएल रख के आप 400-500 पॉइंट के लिए प्ले कर सकते हो, लेकिन आपको एसएल रखना पड़ेगा, डेट विल बी अ रिस्की ट्रेड, ठीक है। बट आप अगर सेफ प्ले करना चाहते हो और एक बड़ी रैली प्ले करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 44,500 के ऊपर क्लोजिंग का वेट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो सेफ प्ले करना या रिस्की प्ले करना, डैट इज़ योर चॉइस, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो गई, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, वॉर हो गई, सिचुएशन पोजिशन मैंने आपको बता दी हैं क्या लेके गए हैं बड़े प्लेयर। रिलायंस की बात कर लेते हैं, जो कि हम करते हैं हर वीडियो के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर जो रिलायंस का चार्ट दिख रहा है, वही सिचुएशन है पुराने वाली, ये कैंडल को क्रॉस नहीं कर पाया 2380 को, तो अभी ये कंसोलिडेशन मतलब जोन जो पिछला था वहाँ पर अब ये रेसिस्टेंस, मैंने सॉरी ये जो लाइनें हैं वो बना रखी हैं। लास्ट सपोर्ट जो इसका है 2280 का ही है, लास्ट टाइम भी यहाँ इसके आसपास से सपोर्ट लिया था, बट क्योंकि अभी सिचुएशन जो है थोड़ी सी नेगेटिव है, प्रेडिक्शन भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर जब इस सपोर्ट के आसपास सेकंड टाइम आएगा तो देन द मार्केट कैन, मार्केट ऑफ रिलायंस कैन ब्रेक दिस सपोर्ट ऑफ 2280। तो राइट नाउ रिलायंस इज नेगेटिव, ठीक है। HDFC बैंक की अगर मैं बात करूँ वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो HDFC बैंक जो है वो भी यहाँ पर भाई देखो उल्टी कैंडल बनी, दिस वॉज अ नेगेटिव प्रेडिक्शन, ठीक है। असिस्टेंस ही हमने खींच रखा था इसके ऊपर, क्लोजिंग अभी तक नहीं मिली 1540 के ऊपर। सो जो लेवल्स हैं अगर वो भी प्ले कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। सो अब आप देख सकते हो 1540 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली, द मार्केट इज़ फॉलिंग अगेन। अब इसका लास्ट सपोर्ट जो है वो यही कैंडल का लो है, जो कि है आपका 1490 के आसपास। सो अभी तो नेगेटिव है हर चीज़, सो बी केयरफुल। जब तक हमारे लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट ना करे या उसके ऊपर क्लोजिंग ना करे, फालतू में मार्केट से फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 दिन आपको परेशानी देखने को मिल सकती है अगर मैं बोलूँ तो सीधे शब्दों में, लेकिन वॉर की वजह से बहुत बड़ा क्रैश आ जाएगा। आई एम नॉट इन द फेवर, इस बात के मैं फेवर में नहीं हूँ, मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ पोजिशंस क्या हैं, बड़े प्लेयर की समझा चुका हूँ। आई होप ऑल एनालिसिस जो मैंने अभी आपको समझाई है वो आपको समझ में आ गई होगी। बाकी क्या है आपका मानना वो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।